हेलो दोस्तों, माय सेल्फ डिंपल वाली। और आज मैं आपको ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए सीधी डायरेक्ट इसकी प्रूनिंग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं इसकी प्रूनिंग करने वाला हूं। और ये लगभग 5 साल का पौधा है हमारा, ये मोटी डंडी का पौधा है जिसकी मैं आपको प्रूनिंग करके दिखाने वाला हूं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं फालतू कोई बात नहीं करूंगा और डायरेक्ट इसकी प्रूनिंग पे बात करेंगे। तो एक हमारे पास ये ब्रांच है, एक हमारे पास ये ब्रांच है, और एक हमारा ये मेन लीडर है जिसकी ब्रांचें हमें रखनी है, बाकी की ब्रांचें हमें रिमूव कर देनी है। कैसे करेंगे? यहाँ पर रिंग पड़ा हुआ है, क्रिस्टल से हटा दिया। यहाँ पर भी रिंग पड़ा हुआ है, मैंने हटा दिया। और यहाँ पर रिंग बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मैंने यहीं से इसको हटा दिया, स्टब कट मार दिया। और यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर रिंग यहाँ पर है, मैंने इसको बहुत दूर जा रहा है इसलिए मैंने इसको यहीं से स्टब कट कर दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बेशक ये अंदर की ओर को, ये थोड़ी सी बाहर की ओर को, लेकिन आपको बाहर वाली हटा देनी है क्योंकि मेन आपकी ये है। तो यहाँ पर भी हमने इसको साइड हटा दिया क्योंकि ये कॉम्पिटिटर बन जानी थी। तो और ऊपर से हल्का सा क्लिक कर दिया। हल्का सा क्लिक करने का रीज़न ये है कि अगर हम ज़्यादा क्लिक करेंगे तो ये ग्रोथ में भागेगा। हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसमें बीमास परफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हमने इसको आगे से हल्का सा क्लिक कर दिया। तो ये तो होगी हमारी एक ब्रांच। चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि इसमें स्टब कट मारने से क्या होगा। हमने जो है एक जगह में स्टब कट मारा है, तो इससे क्या होगा कि नया जो आया आपका यहाँ पे जो पीछे को स्लिपिंग आइज है वो सपोर्ट हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे हमने रिंग पे मारा था, यहाँ पे रिंग मारा था, ये स्टॉप भी हो चुका है। दूसरा, इसके पीछे के जो हमारे स्लिपिंग आइज है वो हमारा बिम्बे में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे से हमने इसको हल्का सा पिन करा, तो इसका रीज़न ये था कि पीछे को, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि पीछे को जो है बिम्बा सपोर्ट होगा। बात क्या होता है, ये होगी हमारी, इसकी हमने पहले ही कर रखी थी। तो ये तो हो गया हमारा एक साइड की ब्रांच, एक साइड की ब्रांच ये होगी। सेम रूटीन पे हमने यहाँ पे काम किया है। आप तो चाहे तो यहाँ पे जैसे हमारी ये वीक पिन थी, इसके ऊपर भी छोड़ सकते हैं, और इस साइड को भी, इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी पिन है, तो हमने उस वजह से छोड़ दिया। ये हमें ब्रांच बनानी है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हैवी कट दिया यहाँ से, ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रोथ आए और ये थोड़ी और आगे को जाए। ये तो होगी ग्रोथ की बात। अब बात करते हैं इस साइड की। तो इस साइड आपको दिख रहा होगा बिम्बा, तो हमने नीचे से जैसे थोड़ा सा ग्रोथ में मारा, क्योंकि यहाँ से नई ग्रोथ देगा, तो इसलिए आगे को निकले। और आगे ऊपर का जो भी कॉम्पिटेटर है वो हमने रिमूव कर दिए और ऊपर से हल्का सा क्लिक कर दिया, ताकि नीचे को बिम्बा सप्राउट हो जाए। ये होगी हमारी इस साल के पौधे में जो है कटिंग। अब यहाँ पर रहेगी इसकी बात, यहाँ पे हमने इसको वीक पे छोड़ दिया, यहाँ पे वीक छोड़ दिया, यहाँ से हमने इसको जो है पिन को हटा दिया। तो इसको हमने जो है स्टब कट करके मार दिया, ताकि अगले साल को यहाँ पे बिम्बा सप्राउट हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको हल्का सा हम ऐसे खोल देंगे ताकि इसमें बिम्बा ज़्यादा निकले, क्योंकि जितना झुकेगा उतनी अच्छा जो है आपके पास बिम्बा तैयार होगा। तो इसलिए हमें इस तरीके से इसको खोल देना है।